एक कहानी, एक तेरा जादू पर एक बीरबल ज्ञानी। हुजूर आला, आपका स्वागत है मान सिंह जी। हम सब जानते हैं कि आपने कितनी बहादुरी से अकेले ही उस खतरनाक डाकू जंगा को पकड़ा। हम आपकी इस बहादुरी पर शाबाशी देते हैं। शुक्रिया जहापना। वो डाकू कहां है मान सिंह जी? उसे दरबार में पेश करें। हमारी प्रजा को महीनों तक परेशान करने के जुर्म में हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, शाही महल आने के लिए जब हम नदी पार कर रहे थे तो वो डाकू अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब गायब हो गया? कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हुजूर, मेरा यकीन कीजिए, मैं भी हैरान हो गया था। पता नहीं वो हमसे कैसे बचकर निकल गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। दोपहर की कड़कती धूप में नदी पर कोई भी नहीं था सिवा एक साधु के जो नहाने के लिए नदी पर आया था। जंगा अचानक गायब हो गया हजूर। बस बहुत हो चुका मान सिंह जी, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। आप पर हमने भरोसा किया था मगर आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम आपको देश निकाला देते हैं। हुजूर, मैं वादा करता हूं मैं उस डाकू को ढूंढ निकालूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए। बस अब तुम्हें कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त हमारे राज्य से निकल जाओ वरना हमें सिपाहियों से कहकर तुम्हें बाहर निकालना होगा। महारानी, महारानी! क्या बात है जहांपना, आप परेशान लग रहे हैं। महारानी, हमने आपके भाई को देश निकाला दिया है। उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। एक बेहद खतरनाक डाकू उनकी हिरासत से भाग गया। पर हुजूर, हमें यकीन है कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। मानसिंह जल्द ही उस डाकू को पकड़ लेंगे। ऐसी गलती के लिए हम उन्हें हरगिज माफ नहीं कर सकते। हम उनसे बहुत नाखुश हैं। उन्हें एक और मौका दे दीजिए जहांपना, आखिर वो हमारे भाई हैं। आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस महारानी, हम मान सिंह के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो क्या हुआ अगर वो आपके भाई हैं? कानून से ऊपर कोई नहीं है। पर हुजूर, मान सिंह कोई आम वजीर नहीं है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। महारानी, अपनी नाजायज मांग से अब आपने भी हमें नाराज कर दिया है। कोई भी हमारा हुक्म नहीं मानने की जरूरत नहीं कर सकता। हम आपको भी देश निकाला देते हैं। आप अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीजें लेकर जा सकती हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए उसे लेकर आप आज ही महल छोड़कर चली जाएं। बहना, क्या आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? आप रो क्यों रही हैं? भाईजान, हमने जहांपना से कहा आपको माफ कर दें और देश निकाला न दें। वो और भी नाराज हो गए और हमें भी देश निकाला दे दिया। ओह, अब हम क्या करें? हम कहां जाएंगे? फिकर मत करो बहना, हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं है, जहांपना हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। क्यों ना हम बीरबल से बात करें, वो बहुत चालाक है। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो ही हमें बचा सकते हैं। ओह, तो इसीलिए जहांपना ने आपको भी देश निकाला दे दिया। फिक्र न करें महारानी, मेरे पास एक तरकीब है जो मुझे यकीन है सफल होगी। पर आपको वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूं।
जहांपनाह के साथ रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। आदाब जहांपनाह, महारानी साहिबा ने आपसे विनती की है कि उनके पिता के घर जाने से पहले आखिरी बार आप उनके साथ खाना खाएं। उनसे कहो कि हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। जहांपनाह, आपको नाराज करने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपकी सजा के भी हकदार हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम अपने पिता के घर ही रहेंगे। हमारे साथ आखिरी बार खाना खाने के लिए शुक्रिया हुजूर। खाना आने तक लीजिए शरबत पीजिए। आप अभी तक गई नहीं? ओह, ओह, क्या हम कहां हैं? जहांपनाह, आप हमारे पिता के घर हैं। हम आपके पिता के घर क्या कर रहे हैं? महारानी, हमें यहां कौन लाया और हम यहां किस लिए हैं? हम समझाते हैं हुजूर, हम आपको यहां लाए। क्यों? हमने आपको देश निकाला दिया था, आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारा हुक्म न मानने की? हमने आपकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की है जहांपनाह, बल्कि स्वीकार ही की है। हुक्म माना? हमने आपको महल छोड़ने के लिए कहा था, न कि हमें साथ लाने को। जहांपनाह, आपने हमसे कहा था कि हम अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीज ले जा सकते हैं। आप हमारे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज है जहांपनाह, इसलिए हमने आपकी आज्ञा स्वीकार ही की। बहुत खूब महारानी, बहुत खूब। हम अपना हुक्म वापस लेते हैं, आप वापस महल आकर हमारे साथ रह सकती हैं। शुक्रिया जहांपनाह। इतने जल्दी नहीं महारानी, हम जानते हैं कि ये किसी और की अकलमंदी है। बताइए कौन है वो? आप सही फरमा रही हैं जहांपनाह, ये बीरबल का ही सुझाव था। हम जानते हैं ये बीरबल ही सोच सकता है। आदाब जहांपनाह। मान सिंह, आप अभी तक यही हैं? क्या हमने आपको देश निकाला नहीं दिया था? और आपके साथ ये आदमी कौन है? हुजूर, मैं माफी चाहता हूं आपका हुक्म ना मानने के लिए, पर मैं जंगा को आपके दरबार में पेश करना चाहता था। बीरबल की वजह से हम इस खतरनाक डाकू को ढूंढ पाए। कैसे ढूंढा इसे? हुजूर, जब मैंने बीरबल को बताया कि जंगा हमारी चुंगल से कैसे भाग निकला था, तो उन्होंने कहा था कि साधु का उस समय उस नदी पर होना बहुत बड़ा इत्तेफाक था, इसीलिए हम वापस उस गांव गए उस साधु की खोज में। जब हमें वो मिला, हमें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जंगा था, जो साधु के भेष में गांव में घूम रहा था। शाबाश, बहुत खूब बीरबल, आपने बड़ी होशियारी दिखाई। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मानसिंह जी, हम आपकी सजा वापस लेते हैं, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी कर दिखाया है। बहुत खूब, शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।